नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कई देश में कहर बरपाने वाला ओमिक्रॉन का BA.4 सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। हैदराबाद के बाद भारत में इसके दूसरे केस की पुष्टि हुई है। नया मामला तमिलनाडु का बताया जा रहा है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा है कि राज्य में ओमिक्रॉन के BA.4 उपसंस्करण के एक मामले की पुष्टि हुई है। भारत में रिपोर्ट किए गए BA.4 सब वेरिएंट का ये दूसरा मामला है। मरियम नवाज शरीफ पर टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की चारों तरफ आलोचना हो रही है। इमरान खान ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मरियम नवाज, आपको मेरा नाम इतना नहीं लेना चाहिए, आपके पति असुरक्षित हो सकते हैं। इमरान खान के इस बयान की पाकिस्तान में चौतरफा निंदा हो रही है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के बयान की निंदा की है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा चल रही है और इस विवाद के बीच AIMIM प्रमुख हसुबुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि फव्वारा कम से कम 7वीं शताब्दी से इस्लामी वास्तुकला की एक अनिवार्य विशेषता है। बिजली मुक्त फव्वारे के बारे में विकिपीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पुराने लेख के लिंक में आप देख सकते हैं। ओवैसी ने कहा है कि ऐसे फव्वारे गुरुत्वाकर्षण पर काम करते हैं और प्राचीन रोमन और यूनानियों के पास पहली और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के फव्वारे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूजर को सरकार ने एक अहम फेक अलर्ट से जुड़ी चेतावनी दी है। सरकारी एजेंसी PIB ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एजेंसी ने SBI यूजर से उन SMS और कॉल्स का जवाब नहीं देने के लिए कहा है जिनमें दावा किया गया है कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने SBI ग्राहकों से SMS में आए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से भी मना कर दिया है और ऐसे मैसेजेस को बिना देखे ही डिलीट करने की सलाह दी है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस के भी तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी पार्टी के भूतपूर्व नेता को याद किया, हालांकि उन्हें अपना ट्वीट बाद में डिलीट करना पड़ गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक कुमार ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमति जताई है और दावा किया है कि हिंदू पक्ष यह साबित करने में सक्षम होगा कि पाया गया शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं कि यह मामला जटिल है और इसके लिए गंभीर और अनुभवी जज की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि जिला अदालत इस पर गौर करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से सहमत हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जल बंटवारे को मुद्दे को लेकर के ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि अगर दिल्ली को और अधिक पानी चाहिए तो फिर पहले पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी छोड़ना होगा और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई करनी होगी। पंजाब में इस साल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों ने 21 मई की सुबह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की। CBI ने दिल्ली, मुंबई, नोएडा और गुरुग्राम सहित देश के कम 10 शहरों में छापा मारा है। ये छापे ब्रोकर्स के ठिकानों पर मारे गए हैं। असम में बाढ़ से तबाही मची हुई है। जमुनामुख जिले के दो गांवों के 500 से अधिक परिवारों को रेलवे पटरियों पर रहना पड़ रहा है। इन लोगों को रेलवे ट्रैक का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि पूरे इलाके में रेल की पटरियां ही एकमात्र ऐसी जगह थी जो बाढ़ के पानी में नहीं डूबी थी। रिपोर्ट्स बताती है कि पत्थर और पाटिया पत्थर गांव के निवासियों ने बाढ़ में अपना करीब करीब सब कुछ खो दिया है और ये लोग नजदीक में अस्थायी शेड के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें जिला प्रशासन, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से कुछ खास मदद नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी 3500 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा को 5-6 महीने में पूरा करने की योजना है। कांग्रेस ने उदयपुर में हाल ही में हुए शिविर में इस यात्रा की घोषणा की थी। कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा आजादी के बाद से पार्टी की पहली अखिल भारतीय मार्च है जिसके लिए कई मसलों पर विस्तार से बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अक्टूबर से इस यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। दिल्ली के लोगों ने दिन में अधिकतम 49 डिग्री तक पारा झेलने के बाद शुक्रवार को बारिश और धूल भरी आंधी के साथ राहत की सांस ली है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की तरह उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले सप्ताह भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय तटरक्षक के जहाजों ने लक्षद्वीप के तट पर 2 नाव का पीछा किया है और 1500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की ड्रग्स के साथ पकड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI ने ICG के अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी, साथ ही इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी शेयर किया है। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक के जहाजों ने प्रिंस और लिटिल जीसस नाम की 2 नाव का पीछा किया और उन्हें 1520 करोड़ रुपए से अधिक की नशीली दवाओं के साथ पकड़ा है। राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ संयुक्त रूप से ऑपरेशन खोजबीन शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कर्नाटक की सरकार ने आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया है। सभी विभागों में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के लिए 33% आरक्षित किया गया है। मुख्य सचिव P. रविकुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया।
पड़ोसी देश म्यांमार में जब से सेना ने सत्ता संभाली है तब से भारत का पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम म्यांमार से भागकर आने वाले शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। म्यांमार भारत सीमा की भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है। कई जनजातीय समूह भारत और म्यांमार दोनों देश में रहते हैं और उन्हें एक दूसरे के कबीलों में जाने से रोकना कठिन होता है। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत का म्यांमार से बेहतर संबंध जरूरी है और यही कारण है कि म्यांमार के सैन्य शासन की आलोचना करने से भारत बचता रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक नई अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि 21 मई शनिवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भारत जोड़ो अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी के जीवन और प्रतिभा खोज कार्यक्रम पर आधारित रक्तदान शिविर, फोटोग्राफी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। मंकी पॉक्स को लेकर जारी डर के माहौल के बीच डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने कहा है कि मंकी पॉक्स HIV की तरह जीनोटिक है और ये शुरू में बंदरों में वायरस के रूप में आया था, जिसे सीमियन वायरस भी कहा जाता है। ऐसे वायरस जानवर में फैलते हैं लेकिन इंसानों तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने बताया है कि पिछले 40 वर्षों में सभी संक्रमण वायरल है, बहुत शक्तिशाली एंटीवायरल नहीं है, इसमें वायरल बदलते रहते हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में फंसे मेहुल चौकसी के लिए एक राहत की खबर है। भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को शनिवार को डोमिनिका से राहत मिली है, जहां उन पर पुलिस द्वारा अवैध प्रवेश का आरोप लगाया गया है। डोमिनिका सरकार ने उनके खिलाफ अवैध प्रवेश मामले में कानूनी कार्रवाई को वापस लेने या बंद करने का फैसला किया है। डोमिनिकन सरकार ने मेहुल चौकसी को 2021 में देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश का आरोप लगाया था। देश में शनिवार को कोरोना संक्रमण के नए मामलों और जान गंवाने वालों के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 2323 नए मामले सामने आए हैं और 25 संक्रमितों की जान गई है। इसके बाद देश में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,348 पर पहुंच गई है, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे में 2,259 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई थी और 20 की जान चली गई थी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का नया ठिकाना पटियाला सेंट्रल जेल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सजा सुनाने के बाद 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल जेल की सजा मिली है। अब 1 साल के लिए सिद्धू की पहचान कैदी नंबर 241383 हो गई है। उन्हें जेल में रहना है और वहां के तौर तरीकों के पालन करने हैं। प्रोफेसर नीलोफर खान ने कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर विश्वविद्यालय में 37 साल बिताए हैं, यहां मैंने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सेवा दी है। मैं विश्वविद्यालय में पहली महिला प्रोफेसर थी। पूरे राज्य में महिलाओं की बेहतरी के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का काम करूंगी। ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियां ओला और उबर को अनुचित व्यापार और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया है। CCPA ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने न्यूज एजेंसी PTI भाषा के से बातचीत के दौरान कहा है कि हमने ओला और उबर दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आइडियाज फॉर इंडिया कार्यक्रम में भाग लेते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि भाजपा ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल के इस बयान के बाद ही भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। विश्व स्तर पर फुटबॉल की आयोजक संस्था फीफा ने पूरे भारत और दक्षिण एशिया में विस्तार के अवसरों को तलाशने के अलावा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने और ओडिशा में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम में सहयोग करने का फैसला किया है। संबंध में फीफा फाउंडेशन के CEO यूरी जेकोर्फ और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत के बीच इसे लेकर करार हुआ है। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु मिट्टी बचाओ अभियान चला रहे हैं। वो इस अभियान में अकेले बाइक पर सवार होकर 100 दिनों में 27 देश की यात्रा पर निकले हैं। सदगुरु बाइक से करीब 30,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत मार्च के महीने में की है और अब तक वो अपनी आधी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकांश यूरोप मध्य के देशों समेत मिडिल ईस्ट के देशों की यात्रा की और वहां के जनप्रतिनिधि समेत आम नागरिकों से मिट्टी को बचाने की नीतियां बनाने का आग्रह किया है। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 31वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। सन 1991 में आज के दिन आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की जान चली गई थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में महंगाई की मार झेल रहे लोगों के अच्छे दिन के सपने अभी फिलहाल टूटते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई की चौतरफा मार पड़ती दिखाई दे रही है, जहां अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ाए गए CNG के दामों में आग लगती दिखाई दे रही थी। दिल्ली में CNG के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में CNG की बढ़ी हुई कीमतें 21 मई से प्रभावी होंगी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है। शनिवार को दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार कर दिए गए हैं। अब ओपी चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस होगी और उसके बाद ही कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई सत्र न्यायालय की एक विशेष अदालत ने पाया है कि इस बात के निर्णायक सबूत है कि कंपनी के सदस्य से उन्होंने मदद ली है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन पर जमीन खरीद मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ वित्तीय लेन देन करने का भी आरोप है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी अमीर चंद का शनिवार को उनके आवास पर निधन हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा है कि 85 वर्षीय प्रथम पुजारी की उनके कटरा स्थित आवास पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री तोता सिंह का निधन हो गया है। वो शियत के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि और शिक्षा मंत्री थे। वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शियत की कोर कमेटी के सदस्य भी थे। सिंह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी रहे थे। सिंह 1997 में पहली बार मोगा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, कुश कुमार यादव, नुन्नू कुमार, दिनेश कुमार सिंह, विवेकानंद सिंह, सुमन सौरभ, रंजीत मेहता, सियाराम कुमार, रंजीत कुमार सिंह, नवेंद्र कुमार गुप्ता, गोपाल कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती महंगाई का असर आपकी जिंदगी पर पड़ा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।